Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And in the series of discussion over higher education in India, this time I am going to discuss the status of private universities in India. The lecture will be useful for your various competitive teaching examinations as well as for your regular BA, MA and professional BEd, MEd courses. Okay, so let's start. प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हम लोगों ने बात कर ली है, बहुत सारी बातें कर ली हैं उच्च शिक्षा पे. हायर एजुकेशन क्या है, किसको कहते हैं, कौन रेगुलेट करता है हायर एजुकेशन इंडिया में, फिर उसके बाद NEP 2020 ने हायर एजुकेशन के रेगुलेशन में क्या चेंज लाया है, फिर उसने कौन कौन से नए कॉन्सेप्ट्स की बात की है, जैसे कि आपका हो गया मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट हो गया, ABC हो गया जो कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स है. फिर हम लोगों ने बात की बहुत सारा UGC AICT NCT NKC नेशनल नॉलेज कमीशन ने क्या कहा यूनिवर्सिटीज पे, बहुत कुछ हम लोगों ने बातचीत कर ली है. फिर पब्लिक सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है हायर एजुकेशन में, सबके रेस्पेक्टिव रोल्स क्या हैं. और इस सीरीज में ये लास्ट डिस्कशन है मेरा आपके साथ कि भारतवर्ष में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की क्या दशा है, किसको प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहेंगे, क्या उनका रोल है, कितना उनका शेयर है ना हायर एजुकेशन में. तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर ए कंसेप्ट वेयर सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय प्राइवेट प्लेयर्स विदाउट फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द स्टेट. सीधी सी बात कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी आप उसको कहेंगे जहां पे सेल्फ फाइनेंस्ड है, वो अपना फाइनेंस खुद जनरेट करते हैं और उनको राज्य से चाहे केंद्र से किसी से भी कोई असिस्टेंस कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती है. अकॉर्डिंग टू UGC प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर कॉम्पिटेड टू अवार्ड डिग्रीज एज स्पेसिफाइड बाई UGC अंडर सेक्शन 22 ऑफ द UGC एक्ट 1956 विद द अप्रूवल ऑफ द स्टैट्यूटरी काउंसिल्स वेयर एवर रिक्वायर्ड टू देयर मेन कैंपस. वो कह रहे हैं कि UGC के अनुसार जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो इतनी कॉम्पिटेंट हैं, इतनी दक्ष हैं कि वो डिग्री दे सकती हैं अंडर UGC, मतलब UGC से रेगुलेटेड है बट UGC उनको फंडिंग नहीं करती है ना. और सेक्शन 22 UGC के UGC एक्ट 1956 में ये कहा गया है कि उनको ये अप्रूवल दिया गया कि दे कैन अवार्ड डिग्रीज. फिर प्राइवेट हायर एजुकेशन हैज बिकम ऑल द मोर प्रोनाउंस्ड ओवर द पास्ट 3 decades अक्रॉस द वर्ल्ड. कह रहे हैं कि पूरे विश्व में पिछले 3 दशकों में बहुत तेजी से प्राइवेट हायर एजुकेशन का जो शेयर है वो बढ़ा है, बहुत तेजी से ये बढ़ी है. इंडिया हैज बिकम नो एक्सेप्शन टू दिस ट्रेंड. और भारतवर्ष भी इस ट्रेंड का कोई एक्सेप्शन नहीं, अपवाद नहीं, मतलब भारतवर्ष में भी बढ़ा है, ये हम लोगों ने पिछले बार बात कर ली थी. इन ए कंट्री वेयर एजुकेशन इज स्टिल नॉट यूनिवर्सल इन एक्सेस बट डिमांड इज ह्यूज. वो कह रहे हैं भारत जैसे देश में जहाँ पे की शिक्षा खासतौर से हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा की पहुंच अभी सब तक नहीं हुई है, इसलिए उसकी डिमांड बहुत है. प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैव सीन फेनोमिनल ग्रोथ ओवर द लास्ट हाफ डिकेड. वो कह रहे हैं पिछले आप देख लीजिए पिछले सालों में कि पिछले दशकों में कि बहुत तेजी से बढ़ी हैं, लार्जली आउटपेसिंग द अदर काइंड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज. और तरीके की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, अभी हम लोग ने टाइप्स की बात नहीं की पर अभी तक समझ में आ गया होगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है ना, इस तरीके से. तो उन्होंने और अन्य प्रकार के विश्वविद्यालयों को पीछे छोड़ दिया है. Rising demand for higher education coupled with stagnant if not declining public investment in higher education caused a massive demand supply gap making it an ideal condition for the private sector to participate in higher education. वो कह रहे हैं कि higher education के लिए demand बढ़ रही है, मांग बढ़ती जा रही है और coupled with वो जुड़ा किससे है, stagnant. वो कह रहे हैं कि हम जो financing कर रहे हैं, जो public sector financing कर रहा है वो अगर ये कहें कि गिर नहीं रहा है, घट नहीं रहा है, तो वो रुक गया है और डिमांड बढ़ रही है, तो ये जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, मैसिव हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है. और इस बहुत बड़े बढ़ते हुए दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए गैप ने एक आदर्श दशा उपस्थित कर दी किसके लिए, कि प्राइवेट सेक्टर आ गया हायर एजुकेशन में, वो पार्टिसिपेट करता है. ठीक है, ग्रोथ कितनी तेजी से इसमें वृद्धि हुई है. द पास्ट 3 decades हैव विटनेस्ड प्राइवेट माइंड्स इवन इन पब्लिक हायर एजुकेशन ड्यू टू इंक्रीज्ड कॉस्ट रिकवरी, प्रेशर फॉर रिसोर्स मोबिलाइजेशन, एम्फेसिस ऑन रिसोर्स यूज इफिशियंसी एंड कॉस्ट रिडक्शन एंड डिमांड फॉर वैल्यू फॉर मनी. वो कह रहे हैं पिछले 3 दशकों की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि पब्लिक हायर एजुकेशन में भी ये प्राइवेट माइंड आ गया है, मतलब ये माइंडसेट आ गया है क्या कि कॉस्ट की रिकवरी होनी चाहिए, रिसोर्स कम मोबिलाइजेशन का प्रेशर, मतलब आप कितना रिसोर्स मोबिलाइज कर पाते हैं, कहाँ कहाँ से आप स्रोतों को संसाधनों का यूज कर पा रहे हैं, और आप यूज इफिशियंसी मतलब प्रैग्मेटिक फिलोसफी, कॉस्ट रिडक्शन कम से कम कॉस्ट में आप कैसे बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, डिमांड फॉर वैल्यू फॉर मनी,
ये सारा माइंडसेट पब्लिक सेक्टर में आ गया है प्राइवेट की वजह से। और अगर ऐश की 2019-20 की रिपोर्ट आप देखें, ऐश क्या है, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन, तो आप पाएंगे कि कुल 1019 विश्वविद्यालय भारत में हैं, थे 20 में विश्वविद्यालय बढ़ गए, प्राइवेट भी बढ़ गया है, जिसमें से 396 यूनिवर्सिटीज प्राइवेटली मैनेज थी। आप समझ सकते हैं, मतलब अगर इसको 1000 मान लें और इसको 400 मान लें, तो टोटल का 40% तो प्राइवेट ही और 60 में बाकी सब है। और अगर कॉलेजेस की बात करें तो 32.6% ऑफ कॉलेजेस रन ओनली अ सिंगल प्रोग्राम। आपको पता होगा कि जो एनईपी 2020 कह रहा है, उसने कहा है कि ये जो सिंगल प्रोग्राम वाले कॉलेजेस हैं इनको बंद करो, मल्टी डिसिप्लिनरी चलाओ। तो वो कह रहे हैं कि 32.6, यानी कि 100 में से हर 10 में से तीसरा कॉलेज जो है वो सिर्फ एक प्रोग्राम चलाता है, आउट ऑफ विच 84.1% आर प्राइवेटली मैनेज, और उसमें से भी लगभग 84% है जो प्राइवेटली मैनेज है। मतलब कहने का कि कॉलेजेस में कितना बड़ा शेयर है जो प्राइवेटली मैनेज हो रहा है। Among these privately managed colleges, 37.4% of colleges run BEd only. आपने देखा होगा जगह जगह हजारों की संख्या में BEd कॉलेज खुले हुए हैं, जहां सिर्फ एक कोर्स चलता है टीचर एजुकेशन का। तो और बल्कि कह दिया गया है कि अब कहीं टीचर एजुकेशन ऐसे नहीं चलेगा जहां बाकी कक्षाएं चलती होंगी वहीं चलेगा, हमेशा कोहरेंस में चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, एनईपी 2020 ने ये कह दिया है। तो ये तो दशा है कि कितना बड़ा शेयर जो है वो प्राइवेट ने कैप्चर कर लिया है। फिर GER इन हायर एजुकेशन इन इंडिया, देखिए हम 26.3% पढ़ रहे थे जो लास्ट डेटा था हमारा, लेकिन ये आपका रिसेंट जो डेटा है उसमें GER बढ़ के 27.1% हो गया। और ये 27.1%, मतलब ये GER लिया किस एज ग्रुप के लिए जाता है, 18 से 23 के, मतलब कि 18 से कम और 23 से ज्यादा उम्र के बच्चों को, विद्यार्थियों को इसमें नहीं काउंट करते हैं। तो ये भारतवर्ष की वर्तमान दशा है, यू कैन से। और अगर और रीसेंट डेटा देखें तो 25 नवंबर 2022 को ये डेटा मिलता है कि यूजीसी की कॉन्सोलिडेटेड लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज में 430 प्राइवेट यूनिवर्सिटी, देखिए 19-20 में 396 थी और 22 में मुश्किल से 2 साल में इधर से 4 और इधर से 30, 34 यूनिवर्सिटी और बन गई। आप समझ सकते हैं कि कितनी तेजी से, मतलब हर साल 17। ये दशा है, मतलब फेनोमेनल ग्रोथ है, बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, आप अगर लिटरेचर पढ़ेंगे यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पे, तो आप पाएंगे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी का शेयर बहुत ज्यादा है या बहुत तेजी से बढ़ा है, आप कह सकते हैं। सेल्फ फाइनेंस्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज विच एएश रिफर्स टू एज स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, GOI 2019 यानी भारतवर्ष के 2019 के गजट में मिलता है ये, आर रिलेटिवली अ न्यू एडिशन टू द वाइड वैरायटी ऑफ प्राइवेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। वो कह रहे हैं कि भारतवर्ष में जो प्राइवेट हायर एजुकेशनल हमारे जो शैक्षिक संस्थान हैं, उसमें से राज्य प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो हैं वो बहुत तेजी से बढ़ी हैं। द मोस्ट कंसिडरेबल राइज केम इन द प्राइवेट स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी कैटेगरी, यानी कि सबसे बड़ा जो वृद्धि का पोर्शन है वो इन्हीं से आ रहा है, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। कह रहे हैं कि क्यों जो है प्राइवेट की तरफ बच्चे जाते हैं या क्या इनमें खासियत है, तो कह रहे हैं स्पीड, एफिशिएंसी एंड डाइवर्सिटी, ये जो है वो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। क्यों स्पीड कर रहा है, क्योंकि वो ऑटोनमस है, उस पर राज्य का नियंत्रण नहीं है, तो वो चाहता है तो अपना कोर्स रेनोवेट कर लेता है, नया करिकुलम पढ़ा लेता है, अपडेट कर लेता है। एफिशिएंसी, ज्यादा दक्ष है कई मामलों में और वहां बहुत डाइवर्सिटी भी है, एंड दैट इज वाई दे आर डूइंग वेल, इसलिए ये इतना अच्छा कर रहे हैं। जब अनलाइक गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज, ये कह रहे हैं ना, वही आगे की बात निकल के, कि जो गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी होती है उनसे विभिन्न, उनसे विपरीत जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं वो ज्यादा स्वायत्त हैं, इसलिए वो अपने करिकुला, अपने पाठ्यक्रम को बदल लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं, और वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स। हमारे यहाँ तो यूनिवर्सिटी से कुछ आएगा तो होगा, हमारे तो हाथ पैर उस हिसाब से बंधे हुए हैं। ऑन दी अदर हैंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, अच्छा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी तो कुछ ना कुछ अच्छा कर रही है ना, हर जगह खराब नहीं है वो, तो वो क्या अच्छा कर रही है, वो इक्विटी प्रोवाइड करती है, ट्रांसपेरेंसी वहां ज्यादा है, अकाउंटेबिलिटी ज्यादा है ना, ये सारी चीजें प्राइवेट नहीं दे रहा है। What is quite revealing is the fact that the self-financed private universities have been maintaining a higher and better student-teacher ratio as compared to higher education institutions in general and to the university level higher educational institutions in particular। वो कह रहे हैं कि अगर हम सरकारी विश्वविद्यालयों या कॉलेजेस से कंपेयर करें तो जो स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है वहाँ टीचर स्टूडेंट रेशियो बेहतर है। हमारे यहाँ तो बहुत स्क्यूड है, टीचर पे बहुत बच्चे हैं, नहीं होने चाहिए उतने, तो इससे क्या होता है कि आप बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते, आपको पर्सनली पता ही नहीं होता है कौन कौन सा बच्चा आपकी क्लास में है ना।
अच्छा ये वाइज दो बार हो गया। स्टेट वाइज नंबर ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया शोज, हम अगर राज्यवार देखें गणना की प्राइवेट यूनिवर्सिटी कितनी किस राज्य में है, तो आप पाएंगे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में लीडिंग स्टेट है, मतलब ये राज्य अग्रणी है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की संख्या में। रेगुलेशन, कौन नियंत्रण रखता है इन पे? लिटरेचर रिवील्स दैट द कंसेप्ट ऑफ ए स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन इंडिया हैज बीन पायनियर्ड बाय छत्तीसगढ़ विद इट्स लेजिस्लेटिव इनएक्टमेंट इन 2002। आप अगर लिटरेचर पढ़ें तो आप पाएंगे कि जो पहली राज्य प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी है इंडिया में, वो छत्तीसगढ़ में ने इसमें पायनियर था, मतलब सबसे पहले यहाँ बनी और एक लेजिस्लेटिव इनएक्टमेंट आया 2002 में। As per this Act, the Chhattisgarh government, by notification in the Gazette, established a university with the required recognition and authorization to prepare a syllabus or grant degrees, diplomas or awards. मतलब कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अपने गजट में ये नोटिफिकेशन निकाला कि वो एक यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करने जा रहे हैं जो रिकॉग्निशन देगी, जिसके पास ये अथॉरिटी है कि वो सिलेबस बना सकती है, डिग्री दे सकती है, डिप्लोमा और अवार्ड देगी। तो इस तरह से 2002 में छत्तीसगढ़ वो राज्य था जहां पे स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी, और आप देख रहे हैं अगले 20 सालों में कितनी ज्यादा हो गई है। सब्सिक्वेंटली मेनी स्टेट्स हैव एस्टैब्लिश्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज थ्रू सेपरेट एक्ट्स, और इसका देखा देखिए आप कह सकते हैं या तदंतर इसके बाद बहुत से राज्यों ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी बना ली विभिन्न विभिन्न एक्ट्स के द्वारा। तो दीज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर रेगुलेटेड बाई UGC, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रेगुलेशंस 2003। आप कह सकते हैं कि 2002 में ये छत्तीसगढ़ में बनी, फिर और राज्य भी बनाने लगे, तो UGC ने 2003 में रेगुलेशन निकाल दिया कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी मेंटेनेंस और स्टैंडर्ड का मतलब स्टैब्लिश करेगी और मेंटेन करेगी स्टैंडर्ड। ओके, देन NEP 2020, हम NEP को कैसे छोड़ सकते हैं ना, हमारी नई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये क्या कह रही है प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे? ये कह रही है कॉल्स फॉर, मतलब ये आवाज दे रही है, मतलब चाह रही है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज करें क्या, करें रिजुवनेशन, एक्टिव प्रमोशन एंड सपोर्ट ऑफ प्राइवेट फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटी इन द एजुकेशन सेक्टर। मतलब ये चाहती है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो ये प्राइवेट लोग हैं, फिलेंथ्रोपिक मतलब मानव प्रेमी हैं, जिनके पास पैसा देखा है, जो चैरिटी कर सकते हैं, वो रिजुवनेट करें, एक्टिवली प्रमोट करें और सपोर्ट करें हमारी शिक्षा के जगत को। UGC ने इश्यू भी किया है, क्या इश्यू किया है? एकेडमिक कोलैबोरेशन बिटवीन इंडियन एंड फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। भाई जब आप हायर एजुकेशन का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो उसमें इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन भी आता है ना, ये आज का कंसेप्ट ही, ये पुराना है, जब से LPG आया, जब से लिबरलाइजेशन हुआ, NEP ने और इसको बढ़िया करने की कोशिश की है, UGC ने एक इशू भी किया ताकि भारत वर्ष की जो संस्थान है और जो विदेशी बढ़िया संस्थान है उनके बीच में हम कोलैबोरेशन कर सकें। टू ऑफर किस लिए किया कि हम ट्विनिंग मतलब मिलके करेंगे जॉइंट डिग्री एंड ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम्स रेगुलेशंस, और 2 मई 2022 को ऐसा आया है। It inter alia promotes enhanced academic collaboration with foreign higher educational institutions, leading towards academic and research excellence in the Indian higher educational institutions. क्यों किया गया है? ताकि भारत में जो हमारे उच्च शिक्षा के संस्थान हैं और विदेशों में जो हैं, उनमें आप सहयोग के द्वारा academic collaboration करें, आपका शैक्षिक सहयोग हो, हम बढ़िया academic काम करें, बढ़िया उत्कृष्ट शोध कर सकें, इन सब के लिए ये हुआ है। Also to promote affordable world class academic and research facilities. भाई affordable world class academic मतलब हर आदमी afford नहीं कर सकता, बहुत महंगा है बाहर पढ़ना, तो इसलिए 2017 में स्कीम लॉन्च की गई थी world class institutions की। The regulatory framework of the scheme provides for identifying 10 institutions each from the public and private categories to grant them the status of an IOE. यानी कि सरकार ने 2017 के बाद ये सोचा कि हम कुछ institutions of eminence मतलब एकदम उत्कृष्ट संस्थान चुन लें ताकि उनके संग हम collaboration कराएंगे foreign university का, तो उसमें से 12 चुने गए हैं जिसमें से कि 8 public हैं और 4 private हैं। तो चूंकि private university की बात हो रही है तो उन private universities या institutions के आप नाम जान लीजिए, मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन MAHE, बिट्स पिलानी, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी एंड शिवनादर यूनिवर्सिटी, इनको इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस बनाया है UGC ने। ठीक, फिर कोलैबोरेशन में और क्या-क्या कहा गया है कि दिस स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, स्पार्क स्कीम प्रमोशन एकेडमिक रिसर्च कोलैबोरेशन aims to improve the research ecosystem of India's higher educational institutions by facilitating academic and research collaboration between top-ranked Indian institutions and globally ranked foreign institutions through joint research projects involving the mobility of students and faculty. वो कह रहे हैं कि एक स्पार्क भी बना लिया गया कि हम कोलैबोरेट करेंगे, तो जो भारत के टॉप रैंक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो विदेशों के हैं, उनके संग आप कोलैबोरेट कीजिए, प्रोजेक्ट कीजिए, रिसर्च कीजिए, फैकल्टी मोबिलाइज कीजिए, स्टूडेंट मोबिलाइज कीजिए। मतलब क्या है कि
जो टीचर है आपका, फैकल्टी है और जो विद्यार्थी है, उनका आवागमन हो सके, आदान प्रदान हो सके, हम वहाँ पढ़ने जाएं, आप वहाँ से बच्चे पढ़ने आए, हम वहाँ पढ़ाने जाएं, वहाँ से टीचर पढ़ाने यहाँ आए, इस तरीके का। तो ऐसा इनिशिएटिव ले लिया गया है। आईआईटी मद्रास ने अपना कैंपस जंजीबार तंजानिया में सेट किया है, और उसी तरह से आईआईटी दिल्ली ने अपना फर्स्ट कैंपस अबू धाबी में बनाया है। तो ऐसा नहीं है, काम हो रहा है। कंट्रोल कैसे कंट्रोल किया जाए? मनमानी फीस लगाते हैं, बार बार फीस बढ़ाते हैं, बहुत महंगा है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, कैसे करें? तो एनईपी ने भी कहा है कि द न्यू फी रिजीम विल एंश्योर रीजनेबल रिकवरी ऑफ कॉस्ट व्हाइल एट द सेम टाइम विल आल्सो एंश्योर द एचईआईज डिस्चार्ज देयर सोशल ऑब्लिगेशंस। बार बार बात आती है सीएसआर की। सीएसआर क्या है? आपका कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी हैं उनके भी कुछ सोशल ऑब्लिगेशन है, मतलब समाज के प्रति उनकी कुछ जिम्मेवारी बनती है। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, आप अपनी कॉस्ट की रिकवरी कर लीजिए, लेकिन आप सोशल ऑब्लिगेशन पे भी ध्यान दीजिए। 50% ऑफ द स्टूडेंट्स एट एनी गिवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन विल हैव सम सॉर्ट ऑफ स्कॉलरशिप असिस्टेंस। वो कह रहे हैं कि कम से कम 50% को आप स्कॉलरशिप दीजिए, विच इंक्लूड्स एंश्योरिंग एटलीस्ट 20% ऑफ स्टूडेंट्स और फ्री शिप्स आर एडेड टू द ऑफिशियल। और आप कोशिश कीजिए कि कम से कम 20% जो मेधावी बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो पिछड़े बच्चे हैं, उनको आप फ्री शिप दे सकें। प्लेस्ड अंडर ट्रांसफॉर्मिंग द रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन एंड इन द सेक्शन कर्बिंग कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। समझ रहे हैं कि हमको रोकना है शिक्षा का व्यवसायीकरण होने से, रोकना है। न्यू पॉलिसी क्या कह रही है? मल्टीपल मैकेनिज्म, बहु प्रणाली अपनाइए, जिससे कि आप चेक कर सके, रोक सके और बैलेंस कर सके, संतुलन कर सके। क्या? कि हम शिक्षा का, उच्च शिक्षा का व्यवसायीकरण होने नहीं देंगे। मोर ओवर ऑल एच ई आईज पब्लिक और प्राइवेट शैल बी ट्रीटेड एट पार। यानी ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं तो आप कुछ बताएंगे नहीं हमारी कितनी इनकम है, कितना खर्चा है। आपको एट पार है, आप चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, विद इन द न्यू रेगुलेटरी रिजीम। और ये न्यू रेगुलेटरी रिजीम क्या है? जो कि HECI बनने जा रहा है, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, विच इज बेस्ड ऑन कॉमन गाइडलाइन। गाइडलाइन दोनों के लिए समान होगी, और गाइडलाइन होगी किस पर आधारित? गुड गवर्नेंस। आपको अच्छी गवर्नेंस रखनी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रखनी है, सिक्योरिटी, एजुकेशनल आउटकम बढ़िया होना चाहिए, और ट्रांसपेरेंट रखना पड़ेगा आपको कि क्या कैसे कब कहां कितना खर्चा हुआ है। समझ में आई बात? तो ये रहा प्राइवेट यूनिवर्सिटी का लेखा जोखा भारतवर्ष में। तो आई थिंक नाउ यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हायर एजुकेशन एंड द स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया कवरिंग मेनी एस्पेक्ट्स अंडर इट। ओके, सो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड दिस वेरी टॉपिक। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माई साइड।